हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं एक बार फिर कंपेयर करने जा रहा हूँ नाइकॉन के 50mm 1.8G लेंस को 70-300mm जूम लेंस के साथ। हालांकि मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक प्रोवाइड किया है अपनी प्रीवियस वीडियो का। मैं दोबारा इसलिए बना रहा हूँ इस वीडियो को बिकॉज लास्ट वीडियो को देखने के बाद मुझे काफ़ी कॉमेंट्स आए थे कि आप स्टिल अभी कन्फ्यूजन में हैं और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि कौन सा लेंस दोनों में से बेटर है। हालांकि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, उसके 61,000 व्यूज़ ऑलरेडी हो चुके हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं दोबारा एक शूट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं 70-300mm लेंस यूज़ करूँगा और इसको कंपेयर करूँगा 50mm 1.8G के साथ। और इसके लिए मेरे साथ वंस अगेन है नीरज और साथ ही साथ वीडियो को बनाने में मेरा साथ देंगे इस बार राजवीर। सो थैंक यू सो मच गाइस कि आपने मेरी वीडियो के लिए टाइम निकाला। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पर्सनल फेवरेट लेंस कौन सा है इन दोनों में से। सो स्टे ट्यून्ड एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहें। हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है निशांत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉट बाय निशांत, जहां मैं लेके आता हूं आपके लिए न्यू वीडियोस रिलेटेड टू फोटोग्राफी। और मेरा मकसद यही होता है वीडियोस बनाने का कि आपको फोटोग्राफी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो और साथ ही साथ आपको फोटोग्राफी से प्यार हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। आप देख रहे हैं 300mm, मतलब आपको सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा दूर जाना है। तो नीरज यहाँ पे खड़ा है एज यू कैन सी, तो हम जा रहे हैं उससे दूर।
सो फाइनली गाइज, हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ जो सारी पिक्स हमने क्लिक की वो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में कि मेरा फेवरेट लेंस कौन सा है दोनों में से। सो गाइज, दोनों ही लेंस अच्छे हैं, दोनों ही लेंसेज के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, बट इफ़ आई हैव टू चूज़ वन तो आई विल चूज़ द 50mm 1.8G लेंस। रीज़न बीइंग, ये काफ़ी टाइनी लेंस है, कॉम्पैक्ट लेंस है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आपको एक लेंस कैरी करना है अपने साथ तो दिस इज़ द बेस्ट लेंस टू गो फॉर। काफ़ी ईजी है इसे ट्रैवल करना और काफ़ी कॉम्पैक्ट लेंस है। द सेकेंड मेजर रीज़न इज़ कि इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें, इसका है 1.8 अपर्चर, यानी कि काफ़ी ओपन हो जाता है अपर्चर और काफ़ी लाइट एंटर कर सकती है आपके कैमरा में। सो अगर लो लाइट में आप शूट कर रहे हैं तो आपको इस लेंस से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द 70-300mm लेंस। और साथ ही साथ थर्ड रीज़न की बात करें तो वो है कि इस लेंस को यूज़ करना ईजी है, बिकॉज़ अगर आपको पिक कैप्चर करनी है तो आपको ज़्यादा दूर जाके इमेज क्लिक नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप सब्जेक्ट के थोड़ा पास भी हैं तब भी आप इमेज को अच्छी तरह से क्लिक कर सकते हैं, बट अगर आपको 70-300mm से पिक क्लिक करनी है तो आपको काफ़ी दूर जाना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट से अगर आप अच्छा बैकग्राउंड ब्लर चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एरिया नहीं होता जहां हम शूट कर रहे हैं, तो उस केस में ये लेंस से आपको फ़ायदा नहीं होगा, उस केस में आपको 50mm लेंस ही यूज़ करना पड़ेगा। सो इट इज़ क्वाइट ईजी टू यूज़। और साथ ही साथ 1.8 अपर्चर के साथ आपको बहुत ही अच्छा और स्मूथ बैकग्राउंड ब्लर मिलता है। सो दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू टू नीरज एंड राजवीर फॉर शोइंग सपोर्ट टू माई वर्क एंड हेल्पिंग मी आउट टू मेक दिस वीडियो। और गाइज, हमारी लास्ट वीडियो के भी 61,000 व्यूज़ हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे, उतना ही सपोर्ट करेंगे। एंड थैंक यू वंस अगेन। अगर आप इस लेंस को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने स्पेशली आपके लिए बेस्ट बाय लिंक प्रोवाइड किए हैं, सो आप अमेजोन से वहाँ से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। और प्लीज़ हमें फीडबैक अपना देना ना भूलें, नीचे कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप ट्रूली फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं ट्राई करता हूँ कि रेगुलरली आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप शूटिंग।